चंदोसी में संस्थापक अध्यक्ष स्वामी भूमानंद सिद्धपीठ, भूमा निकेतन आश्रम हरिद्वार, अनंत श्री विभूति स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज जी का आगमन हुआ। रघुनाथ आश्रम, हनुमान मंदिर, बगिया वाली देवी मंदिर, पंडित हनुमान सिंह की समस्त भूमि पर एक नज़र बनाई और आदेश दिया कि समस्त रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट की संपत्ति रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी देखरेख निस्वार्थ तरीके से की जाए। ये संपत्ति पंडित जी की है, आप सब लोग इसकी देखरेख व निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। कोई संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, सत्य को छुपा नहीं सकते। पूर्व में रहे ट्रस्टियों ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप और आपकी पीढ़ी मुकदमेबाजी करेगी, इसलिए सब समन्वय बनाकर रखें, नहीं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और चेतावनी दी और कहा तिरंगा परिवार ईमानदार सहयोगी इसकी देखरेख करें। पंडित जी की संपत्ति पर कोई ट्रस्ट सोसाइटी बना रखी है तो वह गलत है, यह एक 1958 की रजिस्टर्ड संस्था है। महाराज जी, आज आप रघुनाथ आश्रम ब्रह्मचर्य ट्रस्ट सीता रोड चंदोसी पर आए, सर आज आपका कैसे आना हुआ? मैं आपको अभी बताया था कि हम लोग वहाँ से हरि बाबा बांध के ऊपर जो उनका वार्षिक उत्सव बना था उसमें आए थे। कल बैठे बैठे हमारा मन में करा, चलो चंदोसी चलते हैं, देखते हैं चंदोसी के देखते हैं उन लोगों को जो महारथी लोग हैं जी, उनके भी दर्शन करते हैं महारथियों के भी जी। एक ट्रस्ट बना रखा है जैसे महारथी अभी थे जी, देखा जी जी। साधु के आपका यदि बैग छू भी गया जी जी, नम्रता से सारे ये देखने आए हैं जी। आप एक सर इतनी महान विभूति हैं और ये सब लोग ट्रस्टी हैं, पुराने नए और ये परिवार हैं, ये सब मिलजुल के काम क्यों नहीं करते सर? अब ये तो विषय इनका है, हमारा तो विषय नहीं है। हमारा तो अचानक आना है, यहाँ आए हैं जी, तो विषय तो बहुत बड़ा है जी। मतलब ये है सब वैश परिवार के लोग हैं जी, ब्राह्मण लोग हैं जी। ये कलयुग का है, कलयुग है, कलयुग में यही है जो पाप जितने इकट्ठे कर ले। इन लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? इन लोगों को संदेश यही अपने आप देंगे, हम क्यों देंगे संदेश इन्हें जी। इनका संदेश सुनेंगे देंगे जी। क्या जी। तो देखेंगे कितने महारथी लोग हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो आखिरी आगे कोई भी है, अभी आपने देखा कि 100 साल बाद इस भारतवर्ष में विश्व के पटल के ऊपर ऐसा हुआ जो महाभारत काल में भी नहीं। महाभारत काल में 18 अक्षौणी सेना युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई, हम तो 18,000 अक्षौणी सेना का दाह संस्कार हुआ जी। परंतु इस कोरोना के अंदर बाप बेटे का नहीं करा, बेटा बाप का नहीं, और आप लोग मुंह ढक के रहे, मुंह ढक के बाहर भी किसी से मिले, और यदि घर में आपको कोरोना हो गया तो आपकी घरवाली ने खाली ऐसे दूर से दिया, तो भी बुद्धि नहीं आई, तो भी विचार नहीं आया, तो भी धर्म की संपत्ति को जो है लगा। हम तो हमारे गुरु जी की ये है, हम सन्यासी लोग हैं, हम सन्यासी लोग जितनी आपकी संपत्ति है इससे 10 गुनी संपत्ति हम लोगों के गुरु महाराज की है। उस संपत्ति को हमारे गुरु जी ने ये कह दिया कि हम अब चंदोसी से जब चले आए तो चंदोसी नहीं आएंगे, तो वो कभी आए नहीं, यहाँ उड़िया बाबा के साथ चले गए। तो जब उनकी संपत्ति का वो हुआ, विचार विमर्श हुआ, सब बात हुई, तो वो हमेशा उपेक्षा दृष्टि देखकर ग्रहण किया। आपके पास उनका वो है डेथ सर्टिफिकेट है, स्मृति पत्र तो दो कहीं से कोर्ट से निकालो। तो उनकी संपत्ति 2014 में इन्होंने लिख के दिया था कि हमने आपके पूरी कमेटी ने आपको ये देते हैं। हमने 2014 में चिट्ठी डाला ट्रस्ट बोर्ड को कि एक वसीयत उनके शरीर के बाद उनके समान में एक वसीयत निकली है हनुमान प्रसाद जी की, लिखा है कि स्वामी जब मेरे ट्रस्ट में किसी प्रकार की अजारकता हो तो वो ट्रस्ट जो है आप अपने ट्रस्ट में मिला लें। ये हमने रजिस्टर चिट्ठी लिखा था आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया हमने? फिर उसके बाद एक फिर लिखा चिट्ठी लिखा, फिर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो हमारा काम तो मुकदमेबाजी करने का नहीं है साधु, हम नहीं चाहते मुकदमेबाजी, हम चाहते हैं समन्वय, इसकी इस संपत्ति की रक्षा। तुम अपने बॉम्बे डैम की रक्षा करते हो,
विचार करके, तो इसलिए संपत्ति की रक्षा की बात है, हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है, कोई विचार नहीं, हम कोई आएंगे नहीं यहाँ करने। ये लोग हमारे पास जाते थे, उन्होंने संस्था बनाई सुंदर, हर हमारे उस पर उत्सव में जाते थे। हमने कहा कि भाई यहाँ पर पंडित हनुमान प्रसाद जी के उसके ऊपर आप लोग भंडारा करना, गणेश चौक पर। कितने साल? नौ साल। ये दो साल क्या हो गया? भंडारा करना, वहाँ जाते थे हम, ये कहते थे महाराज जी हाँ भंडारा, मैंने कहा हमारी तरफ से भी ले जाओ आहुति, ये करते थे बेचारे भंडारा यहाँ पर, आहुति हमको दे देते थे जो हमसे होता था। आपका किसी का भी एक भी समय कभी भी आप किसी ट्रस्टी ने एक भी समय कोई बात लिखा, कभी कहा, कभी विचार करा? पंडित जी के श्रद्धांजलि में कभी आपने कुछ कहा? कभी यहाँ पंडित जी की जो है पंडित हनुमान प्रसाद जी की श्रद्धांजलि उत्सव मनाया? और यदि मनाया तो किस तरीके से मनाया? हम लोग अपना उत्सव मनाते हैं, अपने गुरु जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, हम अपने गुरु जी का महानिर्वाण उत्सव भी मनाते हैं, हजारों आदमी लोग आते हैं। अभी माँ बाबा के यहाँ देखो, हमको लेने के लिए जब हम वहाँ पर प्रवेश हुए तो आप लोग तो कमरे में बैठ गए, ट्रस्टी लोग महापुरुष लोग, जब हम लोग वहाँ प्रवेश करें तो वहाँ पर हजारों संख्या में विद्यार्थी और वहाँ लोग हैं। वहाँ का वीडियो देखो हमारे फेसबुक पर होगा, वहाँ उन्होंने हमारे वो किया, क्यों किया कि वो लोग हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं, हम कोई संपत्ति पे विवाद करने आए हैं। चाची जी, आज यहाँ पे महाराज जी आए हैं, उनके सामने आपके जो ये ट्रस्ट है रघुनाथ आश्रम का, इस संबंध में बात भी की, तो आपने कुछ आरोप भी लगाया, कुछ फर्जी भी कुछ लोगों को ट्रस्ट बताया कहा, तो क्या मामला है? ये सब के सब फर्जी हैं। कौन लोग हैं? ये भी नए जो ट्रस्टी हैं, जो 11 लोग हैं, मतलब सुनील है, सुनील अग्रवाल है, उमेश अग्रवाल है, अनूप अग्रवाल है, अनिल सुपर है, और भी स्वयं प्रकाश है। तो ये फर्जी किस आधार पर आपने कहा? क्योंकि इन पे कोई 2100 रुपये की रसीद नहीं कटी है, 2100 रुपये की सदस्यता के जो आवश्यक है 2100 रुपये की रसीद कटे, इनकी किसी कोई रसीद नहीं कटी है। अच्छा, 2100 रुपये की रसीद कोई भी कटा के सदस्य बन सकता है? हाँ, मैं कटाऊं, मैं ही बन जाऊंगा? कोई भी बन सकता है, ठीक है, परंतु 3100 ज़्यादा नहीं, 2100 कम नहीं। अब जो इसमें कम हो गए तो हम जो सदस्य और बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि ट्रस्ट जो है सही जगह से चल सके, परंतु ये भ्रष्ट लोग जो है नहीं होने दे रहे। तो आप जो महाराज जी आए इनके सबके सामने ट्रस्टी और आप सब लोग बैठ के बात की है, तो क्या निर्णय निकाला, क्या करेंगे आगे? मतलब हम चाहते हैं नए ट्रस्ट का निर्माण महाराज जी की देख रेख में, वो नए। तो उसमें महाराज जी का क्या कहना है? अब वो उसमें ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बुलाकर जो नए ट्रस्ट का निर्माण करा दें, जो सब लोग वो चंदौसी के। तो भी आरोप लगा था कुछ संपत्ति भेज दी 5 लाख रुपए में, वो क्या मामला है, वो क्या है? देखिए, वो रेते वाली जगह थी, वो समझौता हुआ। कहाँ की जगह थी वो? ये लक्ष्मीबाई स्कूल से गाड़ी कोने पे है जी। तो वो समझौता हुआ था जो मेडिकल, वो जगह किसकी थी? ये रघुनाथ आश्रम की थी, रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट की थी जगह थी वो। वो कुछ लोगों ने वो जगह को भेज दिया। हाँ, उसमें जो था रेते वाले जो ट्रस्ट ने पास किया था, उसको ट्रस्ट ने पास किया था, तो सुनील रेते वाला जो था उसने वो ले ली, और उसने उसके बदले उससे दुगनी जगह हमें दी, मंदिर दिया। मतलब वो जगह बेचकर आपको जगह दी है? हाँ, उसके बदले में, मतलब केवल रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने 5 लाख रुपए भी डोनेशन कर दिया। और तो ये तो काम सही हुआ है और या गलत हुआ है? डोनेशन ही बैंक में जमा है आज तक हम, तो ये काम सही किया गलत किया? ये काम सही था, लेकिन अभी यहाँ बात आई वो 50 लाख रुपए की जगह थी जो 5 लाख रुपए में बेची गई है। तो मैं इस बात को कहता हूँ कि वो संपत्ति आज ये 50 लाख रुपए दे दे और वो संपत्ति खाली कर देगा वो मेडिकल वाला। तो वहाँ कुछ उस जगह पे कुछ बना दिया गया है या खाली पड़ी है? बना हुआ है। क्या बना है उसमें? एक तो दुकान बनी हुई है, थोड़ा सा और कमरे बने हुए, दुकानें बनी हुई, लेकिन वो जगह ली उन्होंने 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले हैं ट्रस्ट के, और उन्होंने डबल जगह दी है। हाँ, डबल जगह दी है और एक मंदिर। वो जगह कहाँ दी है? वो उसी के बराबर है, बराबर में जगह दी है, वहाँ मंदिर भी है जी। तो उसकी देखरेख किसके हाथ में है? वो वहाँ के ही लोग को जो है छोटेलाल कॉलोनी कुछ लोग उसकी देखरेख, मंदिर देखरेख करते, पुजारी का वो ही उठा। तो अब रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट के संबंध में आपका क्या कहना है, क्या करेंगे आगे? हम चाहते हैं ट्रस्ट का नया निर्माण हो, जिससे कि संस्था ठीक ढंग से